हाथरस के बहुचर्चित मनीषा हत्याकांड को न्याय दिलाने हेतु पूरे देश में जगह जगह आवाज़ उठाई जा रही है। चारों आरोपियों को फांसी की सजा की मांग कर रहे थे। यूपी पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। आज डिंग शहर में कैंडल मार्च के माध्यम से संदेश सरकार तक पहुंचाया जा रहा है। पीड़ित मनीषा के परिवार को न्याय मिल सके अपनी मांग कर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि चारों हत्यारों को फांसी की सजा मिले, आगे इस तरह की घटनाएं ना घटे। जगह जगह कैंडल मार्च के जरिए सरकार को जागरूक कर अपना पक्ष रख रहे हैं, अपने न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जब तक मनीषा हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आज चार दलितों ने हाथरस में दलिंदगी की है, उसमें इन चारों के लिए फांसी और फास्ट ट्रैक में इनका केस लड़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जल्द से जल्द इनको फांसी होनी चाहिए चारों दलितों के लिए, क्योंकि ये दलित समाज और हमारी बेटी हमारी बहन बनी चाहिए इनके साथ बहुत ही अत्याचार और घृणा अपराध हुआ है। इसमें जो बीजेपी सरकार है योगी जी मौन बैठे हुए हैं। आज जाके जब उसकी मृत्यु हो गई है उसके बाद एक्शन में आए, आज 14 दिनों से उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की गई, ना ही उनके घर पर कोई आश्वासन दिया गया। इसलिए हम ये चाहते हैं कि मनीषा जी हमारी बहन है, इनके साथ जो भी अत्याचार हुए हैं उन दरिंदों को चारों को फांसी की सजा होनी चाहिए ना जी। और जो रात में 2:30 बजे जो बहन मनीषा जी का जो सब चलाया गया है उनके कलेक्टर और जो SP उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई सुनिश्चित कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे कोई भी ऐसे 2:30 बजे सबको नहीं जलाया जाए। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जब से सख्त सजा होनी चाहिए और फांसी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।